अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को वजू के बाद दुआ पढ़ने की फजीलत बताऊंगी। वजू तो हम सब लोग करते हैं, अगर हम वजू करने के बाद ये छोटी सी दुआ हम लोग पढ़ लें तो जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। और हदीस में आता है कि जिस दरवाजे से चाहे हम दाखिल हो जाएं, इतना बड़ा सवाब है इस छोटी सी दुआ पढ़ने का। आइए देखते हैं वो हदीस क्या है। मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सबके लिए जो मुसलमान अच्छी तरह वजू करने के बाद इस छोटी सी दुआ को पढ़ ले, वो दुआ ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। ये दुआ है। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वजू करने के बाद इस दुआ को पढ़ ले, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, वो जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाए। आप सब इस दुआ को पढ़ने का खास एहतमाम करें। और हमारे आका की बताई हुई ये दुआ है और सुन्नत है वजू के बाद इस दुआ को पढ़ना।